बताओ पंडता और ज्ञानी गुणी महंत कैसे अब अर्थ बताओ पंडता और ज्ञानी गुणी महंत जो तुम पूरे साधु हो तो भक्त हरि के संत जय हो ये संत दास पूछे अर्थ भेदी हो ये कहो कैसे और समझो तो चर्चा करो ना हित मौन रहो जय हो आहे आहे पण भेदी होए तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को कैसे कैसे मेरे भैया अरे पण भेदी होए तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को कैसे कौन ने बांध मोट धर लियो सराने पानी को भेदी होए तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को कौन ने बांध मोट धर लियो सराने पानी को भेदी होए तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को कौन ने बांध मोट धर लियो ये चंद्र कला कित छिपे बड़े जब कहां से आवे ये चंद्र कला कित छिपे बड़े जब कहां से आवे और रात दिना कहां होए ध्रुवा किस ठोर लगावे कैसे ये तन छूटे जीव जाए आए किस ठाए ते और नेमी चंद सुखदेव से पूछे चरण सिर नायक जय हो ये घंट ताल और लंबकारे और अंबिका बोले आहे घंट ताल और लंबकारे और अंबिका बोले और चार वस्तुए कौन है तो इन्हें बता देखो भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को कौन बात मोट धर लियो सराने वाणी को भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे वाणी को कौन बात मोट धर लियो सराने वाणी को अब कहा अरण के चरण कहा कमला की माता कैसे और कहा शेष के श्रवण कहा शिव जी के भ्राता जय हो ये ससमावस की रेन कहा को जाता भैया और अग्नि उठे भेड़ अरे बुझे जब कहा समाता जय हो अरे बता कौन बाप निरंजन को बता कौन बाप निरंजन को और कौन ने गाड़ो नाड़ बता दे भोला शंकर का बता दे अर्थ लगा दे पानी को मोट धर लियो सराने पानी को भेदी हो तो भेद बता दे अर्थ लगा दे पानी को मोट धर लियो सराने पानी को अब ये तो मेरे बाबा कुछ प्रश्नवाचक शब्द थे जिन पे आप अपने विचार करते रहना अब आप अपने प्रसंग पर आ जाइए मैं तो को जानो राम खिलारी जी और यह चीज को पावा के लिए तीन घंटा लेने में रुकना पड़े हो मैं ही दो तीन घंटा रुपये और यो धक्का धूमी होती रही जब आता है अब चार पांच दिन होगा डकरा था जो गड़ो और है ना नूटल सो लगे हैं तो कछु अब आप सुनोगे
श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म वृतांत कैसे कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक बार का प्रसंग है सज्जना, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी राधा रानी मैया क्षीर सागर को छोड़ करके और भगवान शंकर के पास में कैलाश में मिलने के लिए चले जाते हैं। जय हो। प्यारे बंधुओं, जाते समय रास्ते में एक सुंदर बगीचे को देख करके और विश्राम करने लग जाते हैं। कैसे? उस बगीचे के अंदर बंधुओं कुछ पक्षियों को कलरव करते हुए देखा, विहार करते हुए देखा। ऐसी स्थिति को जब राधा रानी देखती है तो दिमाग में काम भावना जागृत हो जाती है। जय हो। और प्यारे सज्जना, भगवान विष्णु से हट पड़ जाती है कि स्वामी ग्रस्त तो अपन को भी भोगना चाहिए। कैसे? प्यारे सज्जना, भगवान विष्णु ने काफी मना किया लेकिन नहीं मानी। जय हो। बाल हट और त्रिया हट एक जैसा होता है तो दोनों ने सुवासुई का रूप धारण किया और उन पेड़ों की डाल पर बैठ करके और बिहार करने लग जाते हैं। जय हो। प्यारे सज्जनों, ग्रस्त भोगने के उपरांत में दो अंडों का जन्म हो जाता है जिनको लेकर के और फिर पुनः उसी अवस्था में आकर के भगवान शंकर के पास में कैलाशन में चल देते हैं। कैसे? प्यारे सज्जनों, जो ही कैलाशन में पहुंचते हैं तो भगवान शंकर धोने पर सुंदर आसन बिछा करके और सम्मान सत्कार करते हैं। प्यारे सज्जनों, भगवान विष्णु ने उन दोनों अंडों को आसन के नीचे दबा दिया और कुछ देर बाद बातचीत करने के बाद में भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। जय हो। मेरी मति के अनुसार सज्जनों, वैसे कल्पन कथा है, आपको शंका हो सकती है किसी विद्वान को, कुछ देर बाद में वाल्मीकि ऋषि आ जाते हैं तो दोबारा उस आसन को फटकार करके जब भगवान शंकर लगाते हैं तो वो दोनों अंडे उस आसन के नीचे दिखाई देते हैं। जय हो। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि दीन बंधु दीनानाथ कोई न कोई लीला करना चाहते हैं, इसलिए ये कौतूहल करके गए हैं। प्यारे सज्जनों, उनमें से एक अंडे को वाल्मीकि ऋषि को दे देते हैं जिसका त्रेता में जाकर के कुश बना दिया गया। कैसे? और एक अंडे को बंधुओं कैलाशन के अंदर उस बट वृक्ष में रख दिया गया। अब प्यारे सज्जनों, काफी समय गुजर जाता है, उसके उपरांत में माँ लक्ष्मी को उन दोनों अंडों की याद आती है तो देवताओं की सभा इकट्ठी करती है और देवताओं की सभा इकट्ठी करके अपने प्रश्न को रखती है किस प्रकार से। आने रे रे लक्ष्मी देवाना से बात डावे सवार जावे आवे किसे ओ गोदी का खेलौना कुआ मारे बना कोई लावे रे 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 लक्ष्मी ओ देवाना से बात डावे बेदों के लासन में बावे आए तो बोरा पाटे रानी
कैसे भैया। अरे अंबर होवे के साबात दान शिव दी अंबर रानी भैया। अरे बात ये बातन का खेता आदत पड़ी जन्म सूते का कैसे भैया। अरे सुत ब्रह्मा को वरदानी और तू तन का कर दूत कैसे भैया। प्यारे सज्जनों देवताओं की सभा इकट्ठी करती है लक्ष्मी और अपने प्रश्न को रखती है कि मेरे उस लाल की काया को कोई अंबर की बना करके ला सकता है तो बताइए। प्यारे सज्जनों देवता लोग सारे मना कर देते हैं और नारद जी की तरफ इशारा कर देते हैं कि मैया तेरे को जगत में डोलने की जरूरत नहीं है, तेरे घर परिवार के अंदर ही एक ऐसा लड़का है जो तेरे काम को 100% करके दिखाएगा। तो अब प्यारे सज्जनों नारद जी के विषय में देवता लोग किस प्रकार से बताते हैं, कैसे बता रहा मेरे भैया। अरे रिया गे रिया घर को कोनी भला धरन को भूत कैसे भैया। तेराई कुल में देख बड़ा ब्रह्मा को बड़ो सपूत करे ये सोता ओ धीरण भैया। और ये कोई आ जाए चक्कर में बाय पट के सीधो ओवा ओ कैसे भैया। काम करे नहीं दो पैसा दो दिन भर दूध कैसे भैया। और भाई रंडुआ रख लिया भाई सोबे पटना कैसे भैया। अरे कवा के नहीं है गायन बाकी आवे नींद मटा तू ओ आजी भैया। अरे के करे खेती पड़े बंदा निर्बना से नारद बंदा कैसे भैया। प्यारे सज्जनों इस प्रकार से देवऋषि नारद की तरफ इशारा हो जाता है तो राधा रानी लक्ष्मी मैया अपने मन में बहुत प्रसन्न होती है कि ये तो मेरे घर का विषय है, मैं उसको तुरंत बुलाती हूँ। तो प्यारे सज्जनों अब देवऋषि नारद को बुलाती है और अपना काम बताती है। कैसे बताती भैया। अरे कैसी सोन देवन की पानी राजी होगी राधा रानी कैसे भैया। अब तो काम बनेगा मेरा सही सलाप खानी कैसे भैया। अरे बुलाया सावधरी का लाल बताया कहीं सारो भैया। कैसे भैया। अरे तो बेटा कैसा सन मैं जा जो तू तेरी मैया से बदला जो माँ तेरा वो तू बदला जो कैसे भैया। और तब जानू मैं तो ये लगा दे बिना
देश भैया प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से देवऋषि नारद को और लक्ष्मी मैया बुला लेती है और अपनी अटकी हुई बात को बताती है कि बेटा मेरे इस काम को तू कर सकता है कैलाश में जाकर के, और तू तेरी मैया पार्वती को बहकाने का काम तू कर सकता है। तो प्यारे सज्जनों, देवऋषि नारद हां कर लेता है कि मैया ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इसको तो मैं अभी तुरंत करके आता हूँ। जय हो। तो प्यारे सज्जनों, अब देवऋषि नारद जाता है और तुरंत कैलाश में पहुंचता है तो भगवान शंकर धुणे पर बैठे मिलते हैं और जाकर के पूछते हैं मैया पार्वती से, तो पार्वती मैया कह देती है कि बेटा तेरे बाबा धुणे पर भजन कर रहे हैं। अब तो देवऋषि नारद और भी खुश हो जाता है कि अकेले में बढ़िया बातचीत होगी मैया से। तो किस प्रकार से कैसे हो रही है बता। अरे नारायण नारायण बोलन जो खेतवा भावे, कैसे मैया शिव शंकर की लगी समाधि बढ़िया आगो भावे, वो भी जाते रो ना कोया मन अब प्यारे सज्जना, भगवान शंकर तो इधर धूणा तपते हैं और मैया पार्वती से देवऋषि नारद अकेले में किस प्रकार से बातचीत करने लगा। सज्जनों कैसे करोगे भैया? आधे रे रे मैया बात बताऊं तो कुसाची बाला मैं तेरो गाती भैया। रे 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 जा बात बताऊं तो कुसाची बाला मैं तेरो गाती कैसे, ओ से बलेरी ओ मोड़ा कैसे, से बलेरी ओ मोड़ा तो सूखा पाट रे गाने, ऐसा उच्च कूदब अच्छा लगू बाबा। अब मोको शर्म से आया कूदवा फांदवा की आदत होनी है। अब प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से जाकर के और मैया पार्वती से बातचीत करता है कि मैया तेरा पति देव बहुत घाती है और तेरे से अब तक उसने तत्त की बात अब तक नहीं सुनाई, तो किस प्रकार से बातचीत करने लगा। कैसे कह रहा मेरे भैया? और मीठी मीठी बात बनाई भैया के गो जाया मार कथा है तो सूरयो मुंडन की माला है शिव जी के पास भरिए भैया, कितना होगा जन्म हमें जागावे तू ही भरिए भैया रे जय मेरे दामन रे तेरे बल मानो मानो तो कावे बाजे गाही ओ मेरे भैया रे दामन रे दामन रे तेरे बल मानो। इस
पुकार से मैया पार्वती से कहने लगा कि मैया तेरे 108 बार जन्म हो चुके और ये मोड़िया अब तक एक ही धेस है और इसके पास में अमर कथा है और वो चीज तेरे को इसने आज तक नहीं सुनाई। तो ऐसे घर में रहने से भी क्या फायदा है। और आगे भगवान शंकर के विषय में देव ऋषि नारद किस प्रकार से कहने लगा, कैसे कह रहा मेरे भैया, अरे ऊपर काला दे दादा मैया भीतर काला या महादेव ना दिया ओ बाड़ो या मत कर दो विश्वास मात आओ दादा की को ओ कैसे भैया मत कर दो विश्वास मात आओ दादा की को पण तेरा जीवन साथी को ओ कैसे भैया इस प्रकार से प्यारे सज्जना मैया पार्वती को ठोस प्रमाण सबूत दे जाता है कि मैया ऐसे पति के साथ में जीवन बिताने से क्या फायदा है। जे हो। एक घर में रहते हैं दिन रात, 108 बार तेरे जन्म हो चुके, बार बार तू इसी को परनाई जाती है और फिर भी तेरे साथ में इतना बड़ा अन्याय कर रखा है। इसके पास में अमर कथा है और तेरे से आज तक नहीं कहा इसने, तो अब तो प्यारे सज्जना पार्वती मैया के दिमाग में 100% फिट हो जाती है बात और रूस करके और कोप भवन में सो जाती है। तो प्यारे सज्जना अब भगवान शंकर जब धूणा छोड़ करके आते हैं तो मैया पार्वती रूठी हुई कोप भवन में मिलती है। किस प्रकार से कैसे मिली भैया, अरे गोरा कर गो ठोस रोस मैं होगी घर में बिताता न क्या आशो भैया के बीच में हमारे नेताजी पधार चुके हैं। दंगल में बुलायो आचो आयो रे किसे या काया वासु गुलाबी रंग छायो रे बुलायो ने दंगल में बुलायो आचो आयो रे या काया वासु गुलाबी रंग छायो रे बुलायो ने दंगल में बुलायो आचो आयो रे बस अपनी तरफ से तो एक सम्मान बहुत है और बस्ती माता राम जनता बैठी सम्मान करवा के लिए चल भाई मालिक गोरा कर गो ठोस रोस मैं होगी घर में बिताता न क्या हरेक खुल गए जगत पति जाके ढूंढा
भैया पाई देखी प्रिय कम के से सोराई गंगा कान लगे वो तू वे सामे ए बाण भैया बेटी हो दानार बना दे खावा तू जल रोटी ए की जे भैया घर में मोरो पले सरांड तन के जा लड़ाई ई रोटी भैया प्यारे सज्जनों इस प्रकार से भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में विवाद खड़ा हो जाता है और दो टूक जवाब दे देती है कि तू तेरे और मैं मेरे, जब तक तू मुझे अमर कथा सुनाने के लिए तैयार नहीं है, जब तक मैं सासरा साधने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब प्यारे सज्जनों आगे किस प्रकार से कहने लगी, कैसे कह रही मेरे भैया, अरे क्या करूं विश्वास सबर नहीं आवे और एक ज्ञान में, कैसे भैया एक ज्ञान में दो दो खाने स्वामी कैसे भैया, तू प्यारी कौन जगत में हो गया तेरी मैया पार्वती भगवान शंकर के सामने त्रिया चरित्र चालू कर देती है और कहने लगी कि स्वामी मोसे प्यारी कौन जगत में मोड़ा तेरी नारी और घर में राखे कपट दगा तेरे बेईमानी भारी। और प्यारे सज्जना और भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि ये मामला ठोस है और ये सुलट नहीं सकता क्योंकि बाल हट और त्रिया हट एक जैसा होता है। तो भगवान शंकर अब मन में विचार करने लगे किस प्रकार से, कैसे करो मेरे भैया, अरे शंकर करे विचार न थोड़ी आगिया का में, कैसे भैया हरेक तू जो आवे भूतन में,
भगवान शंकर पार्वती मैया को समझाने लगे कि अर्धंगे आप नारद जी के बहकावे में मत आओ, उसका तो यही धंधा है इधर की तोड़ करके इधर जोड़ना और ये बदनामी के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता है। और अंत के शब्दों में कहता है कि इसके लारे मत लगे रे तू बेलंगी रांड। जब इस प्रकार की बात कहता है तो मैया पार्वती भगवान शंकर से किस प्रकार से कहने लगी, कैसे करी मेरे भैया, अरे अरे तरे मत बोले अब तक बहुत सुनी तेरी, कैसे भैया प्यारे सज्जना मैया पार्वती भगवान शंकर को दो टूक जवाब दे देती है कि तू तेरे और मैं मेरे, आज के बाद में मैं यहाँ नहीं टिकूंगी और अब तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, आज तक था वो समाप्त हो चुका। भगवान शंकर मन में विचार करने लगे कि ये तो टुकड़ान का ही तांता होगा अब तो प्यारे सज्जनों अब आगे मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए तैयार है, किस प्रकार से कैसे सुना रही मेरे भैया, और जान गए से वो नाथ डटेगी नहीं अब दादा की करेगी तू मेरी माँ की, कैसे भैया हरे कूद की अवन कुंड में देखी तब मैंने मेरी को देखी तो तू जानू, कैसे भैया भैया, सुंदर घोर बैठ गए तो तू भटके
प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर आगे पीछे का विचार करके और मैया पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाते हैं। ठीक है भाई साहब, ठीक है। या कोई मशीन थोड़ी है भाई साहब जो चलती रहेगी ना, टट मत जाए तू कहीं और दूसरों ने तो। और बाबा मैंने धमसू पहला ही बता दी बात, ये 5 दिन होगा यार रेटर लिखीजे आज गड़ा में कुछ परेशानी भी है। हेलो, तो प्यारे सज्जनों, अब भगवान शंकर मैया पार्वती को उसी ही बट वृक्ष के नीचे ले जाते हैं जहां वो उस खोखले में अंडा रखा हुआ था, और वहां जाकर के भगवान शंकर मैया पार्वती को सुंदर आसन पर बैठा करके और अब किस प्रकार से कथा सुनाने के लिए तैयार है। कैसे करो मेरे भैया? अरे कैसे बने ताली तीन लगाई भक्ति बन के उठ गए भाई भैया, अरे कोली कथा बैठ को भाई भैया, अरे बाबू बात रहे कपुरारी जो गाई के दासन में भाई भैया, अरे जो गाई से वो शंकर की इंद्रा भर की को भैया देख रहा है पार्वती को भैया, हरेक गुण में भरी कथा में हामी बन में रे गो कौन हरामी ले गो पाया कैसे भैया। प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर मैया पार्वती को उसी बट वृक्ष के नीचे ले जा करके और आसन पर बैठा करके अमर कथा सुना देते हैं। कैसे प्यारे सज्जनों, कुछ देर के लिए तो सुनती है और अंत में प्रिय बंधुओं निद्रा आ जाती है, क्योंकि वो एक बहकावे वाली बात थी। अगर अंदर से जिज्ञासा होती तो मैया पार्वती को नींद नहीं आती, ये शास्त्रों का नियम भी है। और विद्या वही ग्रहण कर सकता है जिसके अंदर अंदर से स्वयं की जिज्ञासा है, उत्सुक है। वो तो बहकाने वाली बात थी। अब प्यारे सज्जनों, उस अमर कथा को वो खोखले के अंदर रखा हुआ अंडा सुन लेता है और प्यारे सज्जनों मैया पार्वती खाली हाथ रह जाती है। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? कैसे करो मेरे भैया? भाई साहब आपको हंसी काई बात पे आ रही है? कोई विशेष बात है कुछ? नहीं, हमसे कोई गलती हो रही हो तो बाप कह दे भैया। अरे रे रे सो गाई के लासन में गोरी बाणी वो नाई सोरी भैया, अरे रे रे सो गाई के लासन में गोरी बाणी वो नाई छोरी कैसे ओ गोरी करे साटे कैसे, अरे गोरी के वो बदले मजा पगेरु ले गो ये दो गोरी ओ
क्षण भगवान शंकर जब दिव्य दृष्टि से विचार करते हैं, देखते हैं तो वो सुए का बच्चा और उड़ता हुआ प्यारे सज्जनों आकाश में दिखाई देता है। तो भगवान शंकर क्रोधित होकर के और अपने त्रिशूल को उठाते हैं और उसका पीछा करते हैं। किस प्रकार से कैसे जा रहा मेरे भैया? अरे भबक राई जाना प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर जब उस पक्षी का पीछा करते हैं तो दीन बंधु दीनानाथ के भय के मारे प्यारे सज्जनों उसको छुपने को कहीं जगह नहीं मिलती है। वेद व्यास की घरणी अरणी नाम से और उसके उधर में जाकर के वो पक्षी प्रवेश कर जाता है। प्यारे सज्जनों, इधर वेद व्यास जी महाराज ने संतान थे और संतान की बाट में बैठे हुए थे। अब तो प्यारे सज्जनों ऋषराणी के गर्भ के अंदर वो प्रवेश हो जाता है तो उनके घर के अंदर खुशी होने लगी और ऋषराणी वेद व्यास जी महाराज से एक दिन किस प्रकार से कहने लगी, बंधुओं कैसे खेली मेरे भैया बता दो। अरे के खेबा लगी चार सरानी अब इस वर में बात पछानी एक से भैया और इस रानी के गर्भ के अंदर उसको 12 साल व्यतीत हो जाते हैं। ऋषराणी परेशान हो जाती है, उठने बैठने तक की बस की बात नहीं रहती है। अब तो प्यारे सज्जनों व्याकुल होकर के और ऋषराणी किस प्रकार से कहने लगी, कैसे कह रही मेरे भैया?
आरे के मोसे अनहोती हो रही है बस की बात कतैया भैया के रैया रे ए कैसे भैया सुख पावे तेरी बात हरामी निकल गर्भ से ए भार भैया। इस प्रकार से प्यारे सज्जन और इस रानी उस गर्भ से कहने लगी कि अब तो तेरे को 12 साल हो गई और मुझे बुढ़ापा तक आ गया और तू कब होगा, हमने तो ऐसा जापा कभी जीवन में नहीं देखा। तो प्यारे सज्जनों किस प्रकार से कहती है, कैसे कह रही मेरे भैया, ओ कब होएगो हमारे हीरा लाल, कैसे के कब होएगो हमारे हीरा लाल, मरी तो जाऊं या का तो कैसे कब होएगो हमारे हीरा लाल, मरी तो जाऊं या का तो कैसे कब होएगो हमारे हीरा लाल, मरी तो जाऊं या का तो कैसे। और प्यारे सज्जन आगे किस प्रकार से कहने लगी, ओ खानू नाडू कमारे तेरी बाटे, कैसे कब तक देखू कमारे तेरी बाटे, आखन तू देखू मेरा सोता को खानू नाडू कमारे तेरी बाटे, आखन तू देखू मेरा सोता को खानू नाडू अब घना दना गाया पी गए बदन लगी दुखावा दुखावा पेट बलम तू जा जो घर पे पेट बुला गई तू कैसे भैया श्री सुखदेव जी महाराज की जय।